हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ इतने न्यू नेम का एपिसोड नंबर 11 और 12। और फ्रेंड्स, जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया उसके लिए थैंक यू, और जिसने नहीं किया वो आराम से कर देना। सो लेट्स बिगिन। स्टार्टिंग में फ्रेंड्स, हमें उनके स्कूल को दिखाया जाता है जिसके अंदर जोंगलिन तो दुआशो को वेट कर रही होती है, और दुआशो तो बहुत ज़्यादा हैप्पीली उधर पे आता है। और फिर वो पूछता है, जब तुम आई थी तो तुमने बताया क्यों नहीं? वो कहती है, मुझे दूर से ही तुम्हें देखने में अच्छा लगता है। और फिर वो आराम से बातें करते करते अंदर चले जाते हैं। तो उधर पर मैनजन भी उनको देख लेते हैं और सोचते हैं, इसका हर किसी के साथ इतना अच्छा रिलेशन कैसे हो जाता है? मैं चाहती हूँ ये गायब ही हो जाए। और पीछे से उसकी ये बात प्रिंसेस भी सुन लेती है। और फिर हमें जोंगलिन को उछलते कूदते स्कूल से जाते हुए दिखाया जाता है, और उसके पीछे से प्रिंसेस स्टेयर्स पे गिर जाती है। और जंग दावे और जोंगलिन उसे लेके इन्फर्मरी चले जाते हैं। और ये बात तो धुएं की तरह एकदम उनकी क्लास में फैल जाती है और सारे बच्चे उनको देखने के लिए जा रहे होते हैं। तो फिर मैनजन थोड़ी सी डरी डरी होती है, तो उसकी फ्रेंड उसे कहती है कि चलो वो हमें कुछ नहीं करे। वैसे भी ये बात सुन लेता है और फिर वो भी प्रिंसेस को देखने जाता है। और उनकी क्लास के बच्चे मिलके तो इन्फर्मरी के सामने पूरी भीड़ इकट्ठा कर देते हैं, लेकिन टीचर उन्हें कहीं जाने देती। इधर पे हमें एक फनी सीन भी दिखने मिलता है जिसमें प्रिंसेस का जो लवर होता है वो कहता है कि आप उसे बचा लो, कुछ भी हो जाए बचा लो। तो वो कहता है, जब तुम नहीं हेल्प करोगे तभी वो बच जाएगी। टीचर उसे अंदर नहीं जाने देती। और फिर उधर पर दिव्याशु आता है। पहले तो टीचर उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उससे वो भी डर जाती है और उसे फिर अंदर जाने देती है। और फिर दिव्याशु अंदर जा के उनसे पूछता है कि प्रिंसेस कैसी है। तो फिर प्रिंसेस बताती है कि ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा फ्रैक्चर आया है। और वो कोलन काम होती है, कहती है कि मैं चाहे लेटी रहूँ या खड़ी रहूँ, लोग तो मुझे आसपास खड़े ही होंगे व्हीलचेयर को घुमाने के लिए। तो दयाशु कहता है कि तुम इस टाइम पर जॉब कर सकती हो। और उससे ज़्यादा सैड तो जंगदावे दिख रहा होता है। और तो फिर वो उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ, इतनी परेशान तो प्रिंसेस भी नहीं है। तो फिर वो बताता है कि अब वो स्विमिंग कॉम्पिटिशन में पार्ट नहीं ले पाएगी, और इससे उनकी क्लास को लगातार जीतने का वो सीरीज़ भी ख़त्म हो जाएगी। तो इससे जंगदा भी बहुत सैड हो रहा होता है। और जोंगलिन कहती है, हाँ हम इतने साल से जीत रहे हैं। और वो उसके मेरिट्स बताने लगती है। और फिर वो कहती है, अगर प्रिंसेस पार्ट नहीं ले पाएगी तो मैं पार्ट लूँगी। तो दयाशु कहता है कि तुम्हें याद है ना कि तुम्हारे साथ मैट्रिशन शावर देखने के समय क्या हुआ था? तुम तो अच्छे से पानी में खड़ी भी नहीं हो पाती। जोंगलिन तो अपनी हाई स्पिरिट में होती है और वो कहते हैं कि नहीं नहीं मैं कर लूँगी। और ऐसे ही वो और जंगदा वे एकदम खुश हो जाते हैं और इतनी बातें करने लगते हैं। तो इन दोनों को अपना काम करते देख तो दुयाशु उसके पास आता है और प्रिंसेस से पूछता है, तुम सच बताना तुम कैसे गिरी? तो वो कहती है, नहीं नहीं मैं एक्सीडेंटली गिरी हूँ असलियत में। और वो जोंगलिन को अच्छे से चलने के लिए कहती है। तो फिर हमें प्रिंसेस की फ्रेंड्स को दिखाया जाता है जिसके अंदर उसकी फ्रेंड बोलते हैं कि तुम जंगदावे की वजह से ऐसा नहीं बोल रही क्या? तो फिर वो बोलते हैं कि जंगदावे तो मुझसे मिलने आया ही नहीं। तो इस बात पे तो शूपिंग गुस्सा हो जाती है और वो उससे मिलने जाती है, लेकिन मैनजन उसे रोक देती है। तो फिर वो बस इतना पूछती है जंगदावे से कि प्रिंसेस कैसी है। तो वो बोलता है कि वो ठीक है, लेकिन बस उसके पैर में थोड़ी सी चोट लग गई है। और इतना सुन के वो उधर से चला जाती है। फिर हमें टीचर और जोंगलिन का सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर जोंगलिन कह रही होती है, टीचर आप चिंता मत करो मैं ले लूँगी पार्टिसिपेट। लेकिन उसके टीचर तो इतने वरिड होते हैं कि वो कहते हैं कि अपने आप को कभी भी किसी काम के लिए फोर्स नहीं करना चाहिए बेटा। लेकिन जोंगलिन कहते हैं, नहीं नहीं कोई फोर्समेंट नहीं है, आप चिंता मत करो बस। लेकिन उसके टीचर तो वरी होने से रोक ही नहीं पा रहे होते, लेकिन आखिरकार उन्हें भी मानना पड़ता है। फिर हमें प्रिंसेस के रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो रेस्ट कर रही होती है। और फिर उससे दुआशो पूछता है कि तुमने जोंगलिन को ये क्यों बोला कि सावधान रहना? तो फिर वो बताती है कि मैंने मैनजन को उसके पीछे घूमते हुए देखा था और स्टेयरकेस पे वो उसे धक्का देने वाली थी कि मैंने उसे रोका, तो फिर हम दोनों की लड़ाई में मुझे गिर गई। तो फिर दुआशो पूछता है कि वो ऐसा क्यों करेगी? तो फिर प्रिंसेस बताती है कि ये शायद जंगदावे से रिलेटेड है। तो फिर दुआशु कहता है, कैसे? तो प्रिंसेस कहते हैं, तुम कुछ ज़्यादा ही जोंगलिन के बात से रिलेट नहीं कर रहे, चलो मैं तुम्हें कुछ बताती हूँ। तो दुआशु कहता है, नहीं मत बताओ। तो प्रिंसेस तब उसे वो उसका क्लिप दिखाने लगती है जो उसने जोंगलिन के लिए ख़रीदा था और उसे मिल नहीं रहा था। तो फिर वो उसे पूछती है कि ये तुम्हारे इस पास क्या कर रहा है? तो दुआशु पूछता है कि ये तुम्हें कहाँ से मिला? तो बोलती है, कहाँ से मिला ये मैटर नहीं करता, लेकिन ये लड़की के पिन तुम्हारे पास क्या कर रहा है? फिर हमें वो सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर उस प्रिंसेस ने दुआशु का कोट ले लिया था और उसके अंदर ही उसे शायद उसका पिन मिला था। और
फिर प्रिंसेस बताती है इस पिन से मुझे तो कुछ करना नहीं है, लेकिन ये पिन तो सिमिलर दिख रही है जो जोंगिन को पसंद आई थी उस दिन। आखिरकार पूछते पूछते प्रिंसेस तो दुयाशु से सच उगलवा ही लेती है और वो फिर उसे चिढ़ाने के लिए उस पिन को अपने बालों पर लगा के दिखाती है और कहती है कि ये मैं कैसी लगती हूँ बताना। और फ्रेंड्स फिर हमें जोंगिन को दिखाया जाता है जो स्विमिंग पूल के साइड में बैठ के सोच रही होती है कि जब वो अपनी स्विमिंग के बाद उन दोनों को बताने गई थी तो असल में उसने प्रिंसेस की और दुयाशु की बात सुन ली थी कि लास्ट की तरफ वो उसका पिन को पहन के देख रही थी और वो दोनों अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे, तो उसने उन दोनों को मिसअंडरस्टैंड कर लिया। और इसमें हमें दिखाया जाता है दुयाशु तो प्रिंसेस के सर पर हाथ भी रख रहा होता है और जब वो अचानक से आँख खोलती है तो उसके सामने से दुयाशु ही दिखता है। और फिर दुयाशु जोंगिन से पूछता है कि तुम इधर पर अकेले अकेले क्या कर रही हो वो भी स्विम सूट पहन के, तो फिर वो बताती है कि मैं इधर पर स्विमिंग की प्रैक्टिस करने आई हूँ। और दुयाशु तो उसके लिए टावल भी ला के देता है उसे उसके बॉडी के ऊपर रखने के लिए। और फिर जोंगिन तो यूँ ही सैड होती है उसकी और प्रिंसेस की बात सोच के, तो वो कहते हैं कि तुम इधर पर मत रहो, तुम इतनी चिंता मत करो, मैं इतनी बेवकूफ़ नहीं हूँ कि अकेले डूब जाऊँगी, तुम जाके प्रिंसेस का ध्यान रख लो। और दुयाशु भी उसकी बात भी सीरियसली नहीं लेता और वो कहता है ये तो तुम्हारी मर्जी के ऊपर है। और फिर जब जोंगिन स्विमिंग पूल के अंदर स्विमिंग ट्राई करने के लिए जाती है तो वो तो दुयाशु के बारे में सोच के ख़त्म नहीं होती और वो उसके बारे में इतना बुरा बुरा कह रही होती है और उधर पे दुयाशु बैठ के सोच रहा होता है कि मैंने इसका क्या कर दिया। और फिर हमें जंग दावे को दिखाया जाता है जो क्लास में बुक समेत तो उसे मिल जाता है मैंजो की डेस्क में एक एनवलप, और वो वैसे ही एनवलप होता है जिसमें उसका लन कन्फेशन हुआ था, तो उसे पता चल जाता है कि उसे जो लव लेटर लिखा था वो मैंजो ने लिखा था। और फिर हमें जोंगिन को उसकी स्विमिंग को प्रैक्टिस करते दिखाया जाता है जब वो अपनी स्विमिंग प्रैक्टिस कर रही होता है और दुयाशु भी उसके साइड में होता है, तो वो तो हर बार दुयाशु को यही कह रही होती है तुम जाओ ना प्रिंसेस के पास, तुम जाओ ना प्रिंसेस के पास, तो दुयाशु कहता है कि तुम मुझे हमेशा प्रिंसेस के पास ही क्यों भेज रही हो, तो वो कहती है वो पेशेंट है ना इसलिए। तो फिर दुयाशु कहता है कि तुम फिर से मेरे से गुस्सा किस बात पे हो गई, और जोंगिन तो उससे बिना बात करे ही उधर से निकल जाती है। तो फिर वो उससे पूछता ही जाता है कि तुम मुझसे गुस्सा क्यों हो। फिर हमें उनके स्कूल का ख़त्म होने का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उन्हें दबंगा लेने आता है और जोंगिन तो उन्हें देख के बहुत खुश हो जाती है और एक ही दौड़ में उनके पास ही चली जाती है। तो दुयाशु को भी ये बात अच्छी नहीं लगती है और वो उसे थोड़ा बहुत इनडायरेक्टली कह के उधर से चला जाता है। और फिर हम जोंगिन और दबंग को देखते हैं कैरियोके के उधर पे जहाँ पे वो लोग सिंगिंग कर रहे होते हैं, और दबंग जोंगिन को इसलिए लाए होते हैं क्योंकि उसका मूड ख़राब था इस बहाने से कि चलो उधर पे तुम्हारी प्रैक्टिस कराता हूँ स्विमिंग की, तुम्हारी ब्रेथ कंट्रोल करने की, और वो लोग उधर पे बहुत मज़े करते हैं। और फिर हम दुयाशु को देखते हैं जो जोंगिन की उस अम्यूजमेंट पार्क वाली बात को याद कर रहा होता है, और फिर इस बात को याद करते करते वो अपनी मदर को कॉल लगाता है और उसकी मदर तो बहुत ज़्यादा खुश होती है और वो अच्छे से बात करते हैं और उसकी मदर अच्छे से रिकवर कर रही है। इस बात को सुन के वो जोंगिन को भागते हुए बताने जाता है इस बात को, और जब वो उसके घर पे पहुंचता है तो वो जोंगिन और दबंग को एक साथ देख लेता है, और जोंगिन दबंग को कुछ गिफ्ट दे रही होती है, तो उसे याद आता है कि जोंगिन उससे कुछ पूछ रही थी कि उसे किसी को गिफ्ट देना है तो क्या गिफ्ट दे, और उसने सोच लिया था कि वो गिफ्ट तो उसके लिए होगा। और ये सब देख के तो उसे लगता है कि मैं कितना बड़ा बेवकूफ़ था, और वो उधर से सैड होके चला जाता है। और फिर हम लोगों को स्विमिंग पूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जंग दावे दुयाशु को लेके आया होता है जिससे वो उसके साथ स्विमिंग प्रैक्टिस कर सके, और जब वो स्विमिंग प्रैक्टिस करने लगता है तो हमें पता चलता है कि दुयाशु तो कितना फास्ट है स्विमिंग में, और वो दोनों स्विमिंग पूल में बहुत मज़े करते हैं। और फिर जब वो शॉट ले रहे होते हैं स्विमिंग के एरिया में तो उधर पे दबंग और जोंगिन भी आ जाते हैं, और वो दोनों एक दूसरे को देख के सरप्राइज हो जाते हैं, और दुयाशु तो जोंगिन और दबंग को एक साथ देख के गुस्सा ही हो जाता है। उसके बाद जंग दावे जोंगिन और दबंग एक साथ मिल के एक लेजेंड की बात कर रहे होते हैं कि ऐसा मानना है कि स्कूल स्विमिंग पूल में जो भी एक महीने तक सबसे पहले आएगा वही ये चैम्पियनशिप जीतेगा, और वो ये तीनों बात सोच के हंस रहे होते हैं, लेकिन दुयाशु को तो ये बात पता ही नहीं होती, तो वो पूछता है कि तुम हंस किस बात पर रहे हो, तो दबंग उसे जब बताने लगता है तो वो कहता है नहीं नहीं मुझे तुमसे नहीं जानना, और फिर वो लोग उसे बोलते हैं कि चलो हमारे साथ भी स्विमिंग कर लो, तो फिर जंगदा भी कहता है कि नहीं हम अभी अभी स्विमिंग करके उठे हैं, तो दुयाशु कहता है नहीं नहीं मैं तो करूँगा, तो फिर जंगदा भी उसे छोड़ के उधर से चला जाता है और दुयाशु तो उन दोनों के साथ ही लटका रह जाता है। और
सोचता है मैं ये क्या कर रहा हूँ। उसके बाद उसके पास जाऊंगी नादिया, जो उसे पूछते कि मेरी स्विमिंग ड्रेस कैसी लग रही है, क्योंकि उसे बहुत अजीब लग रहा होता है क्योंकि उधर पे सब लोग बहुत अच्छे से ड्रेसअप होकर आए होते हैं लेकिन वो तो अपनी कैजुअल से स्विमिंग ड्रेस में ही होती है। उसके बाद जब दबंगा जोंगिन को प्रैक्टिस करा रहे होते हैं तो दुयाशु तो उनके पीछे ही पड़ जाते हैं कि तुम ये ठीक से नहीं कर रहे, तुम वो ठीक से नहीं कर रहे, तो दबंगा भी इरिटेट हो जाते हैं और फिर वो दोनों लड़ाई लड़ाई में एक मैच रख लेते हैं स्विमिंग का। और फिर जब वो लोग कॉम्पिटिशन करते हैं तो दुयाशु तो कूद जाता है लेकिन दबंगा तो कूदते ही नहीं है स्विमिंग पूल पर, तो जोंगिन भी देख के हैरान हो जाती है। और जब दुयाशु बीच में रुक के पूछता है कि तुमने कूदा क्यों नहीं स्विमिंग में, तो फिर वो कहता है कि मैं हार गया, मुझे पता चल गया कि तुम अच्छे हो। वो कहता है कि तुम मेरे ऊपर ज़्यादा लुक डाउन मत करो, और वो इस बात पे गुस्सा होकर उधर से चला जाता है। फिर हम देखते हैं मांजू उनको ट्री के पीछे खड़े होते हैं और उधर से ही जंगदावे जा रहा होता है, तो उसको देख के भागने लगती है लेकिन उसके पास जंगदावे आता है और कहता है मुझे माफ़ कर दो। तो बोलती है डर जाए कि तुम माफ़ी किस बात की मांग रहे हो मुझसे, तो फिर वो बताता है कि उस दिन मैं कन्फेशन के डे नहीं आ पाया। तो बोलता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि ये लेटर मैंने ही लिखा था, कहीं तुम्हें प्रिंसेस ने तो नहीं बता दिया। तो वो कहता है नहीं नहीं मुझे तुम्हारे डेस्क में से ही सेम एनवलप मिला जो तुमने कन्फेशन में ढाला हुआ था। तो फिर वो पूछती है कि तुमने मुझे रिजेक्ट ही कर दिया, तुम किसी और के साथ रहना चाहते हो। और फिर वो कहती है कि कोई बात नहीं रहने दो, मुझे इस बात का आंसर नहीं जानना। तो जब जंगदावे इस बात पे ध्यान से सोचता है तो वो जोंगिन की बातों को याद करने लगता है, उसके साथ स्पेंड करे हुए मोमेंट्स को याद करने लगता है और उसका हार्ट बहुत तेज तेज बीट करने लगता है, तो वो अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश में लग जाता है। फिर सीन चेंज हो गया, हमें रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे दबंगा जोंगिन और दुयाशु मिल के लंच कर रहे होते हैं। और जब वो मेन्यू से कुछ ऑर्डर करते हैं तो मतलब जोंगिन को दुयाशु के हर खाने की चीज़ के बारे में पता होता है और दुयाशु को भी जोंगिन के हर खाने की चीज़ के बारे में पता होता है, तो इन दोनों को ऐसा देखकर दबंगा को अच्छा नहीं लगता। और जब वो दोनों ऐसी बात कर रहे होते हैं तो जोंगिन दुयाशु से पूछते हैं कि तुम्हें पता है जोंग वो प्रिंसेस को अभी रिसेंटली कोई मिल्क देके गया है। तो वो कहते हैं कौन सा मिल्क, तो बोलते तो बुरा नहीं लगा किसी ने उसे मिल्क देके गया, तो वो कहते मुझे क्यों बुरा लगेगा। और दबंगा उन दोनों की बातों को देख रहे होते हैं। और फिर हमें जोंगिन को दिखाया जाता है जो गलती से बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड को ऑर्डर कर लेती है और वो कहते हैं कि मुझे तो पता ही नहीं था ये ऐसा होगा, पिक्चर तो दिखाई नहीं गई थी। और वो इतनी टेंस रहते हैं मुझे इतना स्पाइसी खाना पड़ेगा लेकिन मैं दबंगा के पैसे तो वेस्ट नहीं कर सकती। तो फिर दुयाशु उसकी घबराहट को देख लेता है और वो अपना लंच उससे एक्सचेंज करके कहता है कि मुझे ये वाला खाना है। तो दबंगा सोचता है कि ऐसा क्यों कर रहा है और कहता है कि तुम्हें अगर खाना है तो मैं तुम्हारे लिए नया ऑर्डर कर दूंगा, जोंगिन को उसका दे दो। लेकिन वो तो एकदम मना हो जाता है और जोंगिन भी कहते कोई बात नहीं दबंगा खाने दो उससे, मैं खा लूँगी ये, और ये तो इतना अच्छा है कि मैं अगर वो मुझसे मांगेगा ना तो भी मैं नहीं दूँगी उसे। और फिर जब उन लोगों का लंच ख़त्म हो जाता है तो वो बाहर आते हैं और जोंगिन बोलते हैं कि अगर मैं फर्स्ट 3 आ जाऊँगी तो मुझे क्या मिलेगा। तो तब दबंगा उसे कहते हैं कि अगर तुम फर्स्ट 3 पे आ गई ना तो मैं तुम्हें बीच पे भी लेके चलूँगा। और जोंगिन ये बात सुन के तो बहुत खुश हो जाती है। और फिर जब दुयाशु घर जा रहा होता है तो हम जंगदावे को देखते हैं जो उससे आके बोलता है कि मुझे अपने लव लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, तुम मेरी बात सुनो ना। तो जब दुयाशु उसकी बात सुनता है तो उसे पता चलता है कि जंगदावे जिस लड़की को प्यार करता था उसे लगता था कि वो उससे प्यार करती है, लेकिन असल में रिजल्ट ये है कि जंगदावे उससे प्यार करता है और अब वो उसे कैसे कन्फेस करे। तो फिर दुयाशु कहता है कि तुम कल जाके स्कूल में ही बोल दो। तो वो कहते हैं नहीं ये मेरा यूथ का टाइम, मैं जब स्विमिंग कंपटीशन में फर्स्ट आऊँगा मैं तभी उसे जाके बोलूँगा। और वो बोलता है कि तो मैं जानने की उत्सुकता नहीं हो रही कि ये लड़की कौन है। तो वो कहता है नहीं मुझे बिल्कुल उत्सुकता नहीं हो रही, और ऐसा कह के वो घर पे चले जाते हैं। और फिर हम जोंगिन को देखते हैं जो अपने स्विमिंग कंपटीशन के लिए बहुत जम के प्रैक्टिस कर रही होती है और मीन वायलेंस प्रिंसेस का प्लास्टर भी उतर जाता है। और हम देखते हैं कि जोंगिन सोचती है कि जो दुयाशु ने इसको पिन दी थी वो क्यों नहीं लगा रखी इसलिए। और इससे हमें पता चलता है कि जोंगिन थोड़ी ना थोड़ी उस पिन के वजह से तो जेलस होनी शुरू हो ही गई थी। और फिर हम दुयाशु को देखते हैं जो अपनी मदद से बात करता है और उसके बाद जोंगिन के भाई का फ़ोन आता है और वो बोलता है कि आजकल जोंगिन बहुत वियर्ड बिहेव कर रही है, वो सुबह 6 बजे कहीं चली जाती है। तो अगले दिन दुयाशु उसका पीछा करता है तो उसे पता चलता है कि वो स्विमिंग पूल में जाती है। और हमें वही ये वाला मिथ दिखाया जाता है जिसके अंदर वो लोग बताते हैं कि जो भी स्विमिंग पूल में 1 महीने तक पूरे
सबसे पहले आएगा उसी को ही चैम्पियनशिप में फर्स्ट प्राइज मिलेगा। तो इसी को देख के और सोच के दुआशु हंसने लगता है कि ये जोंग जिन इतनी सी बात को इतना सीरियसली ले रही है। फिर हमें उनके कंपटीशन का दिन दिखाया जाता है जहाँ पे उनकी क्लास तो उनके लिए बहुत ज़्यादा चेयर कर रही होती है, और जब प्रिंसेस और जोंग जिन एक साथ बात कर रहे होते हैं तो फिर जोंग जिन उन्हें बीच की वाली बात बताती है कि वो लोग अगर टॉप आए तो दबंगा उन्हें बीच पे लेके जाएंगे। तो उस प्रिंसेस को दुआशु की बात याद आती है कि जब उसने कहा था कि तुम जोंग जिन को अपनी बात बता क्यों नहीं देते, तो वो कहता है कि मैं उसके बारे में सोच के और हेल्प नहीं कर पाता उसके लिए वरी करना, लेकिन इसकी कोई नीड नहीं है। और मीनवाइल हमें दिखाया जाता है कि किसी ने जोंग जिन के स्विम सूट को फाड़ दिया था। तो प्रिंसेस कहती है चलो इसे रिपोर्ट करते हैं, लेकिन वो रिपोर्ट करना नहीं चाहती थी क्योंकि अगर उसने रिपोर्ट कर दिया तो वो लोग डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे। फिर हमें कंपटीशन को दिखाया जाता है जिसमें पहले बॉयज़ का कंपटीशन होता है और उस पे यंग दावे जीत जाता है, और फिर इस बार आती है गर्ल्स की बारी जिसके अंदर जोंग जिन सबसे लास्ट में आती है और वो बहुत ज़्यादा डरी डरी दिख रही होती है। तो दुआशु पूछता है प्रिंसेस से कि उसे क्या हुआ, तो प्रिंसेस बताती है कि किसी ने जोंग जिन के स्विम सूट का स्ट्रिप को काट दिया है। तो उनके सारे फ्रेंड्स को बहुत गुस्सा आता है कि किसने ये करा। और फिर जब उनका स्विमिंग कंपटीशन स्टार्ट होता है तो जोंग जिन बहुत हिम्मत करके जाती है और बहुत आगे तक जाती है, लेकिन उसका बीच में ही उसके स्विम सूट को जहाँ पे उसने टाई कर रखा होता है वो खुल जाता है और वो उधर पे अटक जाती है, और सब लोग देख के उसे हैरान हो जाते हैं। तो दुआशु जाके उसे प्रेस करता है और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस देता है, और फिर उसके साथ उसके सारे फ्रेंड्स भी आके उसे बहुत प्रेस करते हैं जिससे वो अपनी स्विमिंग को एंड करती है। और फिर वो सब लोग आके उसे हिम्मत देते हैं और बहुत अच्छा अच्छा कहते हैं जिससे जोंग जिन को भी अच्छा लगता है। और इसी के अंदर हमें बताया जाता है कि दुआशु के मदर का भी ऑपरेशन को सक्सेसफुल हो चुका है। और फिर हम दुआशु को उसके घर पे देखते हैं जो बैठ के उसकी और प्रिंसेस की बात को सोच रहा होता है, जिसके अंदर वो उसे कन्फेस करने के लिए कह रही होती है और पूछती है कि ये क्लब तो जोंग जिन ने चूज़ करा था ना। तो वो बताता है हाँ, तो बोलता है कि तुम जाके कन्फेस कर दो, लेकिन वो मना कर देता है। तो जब वो प्रिंसेस उसे पहनती है तब का हमें सीन दिखाया जाता है कि दुआशु उसके सर पर हाथ फेर रहा होता है, लेकिन वो असल में ऐसा नहीं होता, वो उसके सर से उसकी पिन अचानक से खींच लेता है और कहता है कि ये तुम्हारी है ही नहीं वैसे तो। तो प्रिंसेस कहती है अच्छा तुम्हें थोड़ा सा आराम से तो खींचना चाहिए था, मेरे बाल में लग गई। और फिर हमें जंग दावे और दबंगा को दिखाया जाता है जो एक साथ उसके विन को सेलिब्रेट करने एक आइस की शॉप पे आ रहे होते हैं और उसकी आइसक्रीम खा रहे होते हैं, जिसके अंदर वो सेम ऑर्डर को ऑर्डर करते हैं लेकिन वो अवेलेबल नहीं होता, उसका खाली एक ही पीस अवेलेबल होता है। तो जंग दावे कहता है कि वैसे भी मेरा ब्रदर इसे खाता नहीं है, आप मुझे दे दो, और उसका भाई भी कहता है आप उसे दे दीजिए। और फिर जब वो उसके साथ आके बैठता है तो जंग दावे कहता है अच्छा हुआ ना हम ब्रदर्स हैं और हमारे टेस्ट अलग है, इससे हमारे बीच में कुछ ग्रैब नहीं होगा और अलग भी नहीं होगा। तो वो कहता है हाँ मेरे और तुम्हारे बीच में किसी बात का झगड़ा, और मन मन में तो जंग दावे के लड्डू फूट रहे होते हैं क्योंकि वो सोच रहा होता है जब वो लोग बीच जाएंगे तो वो जोंग जिन को कन्फेस कर देगा। और जब उसका भाई पूछता है कि क्या हुआ तो वो बोलते हैं मैं नहीं बताऊँगा आपको। और फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जो होता है 2017 का, जब उसमें जोंग जिन कहते हैं कि अच्छा तो तुम मुझे उस समय कन्फेस करने वाले थे। तो वो कहता है हाँ, तो वो कहता है कि मुझे सच में पता नहीं था। तो वो कहता है कोई बात नहीं मैं तुम्हें फिर से चांस देता हूँ, लेकिन वो उस बात को तो मजाक से ही उड़ा देती है। और फिर जोंग जिन के फ़ोन पे किसी का कॉल आता है लेकिन वो उठाती नहीं है। तो जंग दावे पूछता है कि ये किसका कॉल था, वो कहती है किसी का नहीं यू ही रॉन्ग नंबर था। तो फिर वो उसके बारे से दुआशु के बारे में पूछने लगता है और पूछता है कि तुमने उसके उससे कब से कॉन्टैक्ट नहीं करा। और फिर उसके बाद हम जोंग जिन को बोलते हुए देखते हैं कि हम हमेशा सोचते हैं कि हम नेक्स्ट टाइम ये काम कर लेंगे, हम नेक्स्ट टाइम वो काम कर लेंगे, हम नेक्स्ट टाइम फॉल इन लव हो जाएंगे, लेकिन कभी कभार कुछ जो टर्न्स होते हैं वो कभी नेक्स्ट टाइम नहीं आते। और इधर पर ही फ्रेंड्स हमारा एपिसोड नंबर 12 ख़त्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।